ये मिला क्या, इसकी पृष्ठभूमि तैयार होती है 2019 के चुनाव के पहले, जब राज्य के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार थी और 2019 आम चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी की गठबंधन ने चुनाव में जाने के पूर्व कुछ वायदे किए थे। उन वायदों के बुनियाद पर ये सरकार का अस्तित्व आया था, ये सरकार ने आकार ली थी। अब जब फिर से आम चुनाव झारखंड में होने वाले हैं, कुछ दिन ही बचे हुए हैं, इस सरकार का झूठ सबके सामने है। पिछले दिनों विधानसभा के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी के तमाम विधायकों ने इस सरकार के उन तमाम झूठे वायदों, वो कमिटमेंट का ध्यान इस सरकार को कराया। और जब भारतीय जनता पार्टी के माननीय विधायकों ने जब जीत की कि भाई आपको इनका जवाब देना होगा, तो उन लोगों ने, सरकार ने 18 विधायकों को निलंबित करवाने का काम किया। और आपने देखा होगा 23 अगस्त को ऐतिहासिक युवाओं के जनाक्रोश रैली के माध्यम से पूरे राज्य के युवा चीख चीख कर पुकार रहे हैं और अपने उस ठगे जाने का रोष व्यक्त कर रहे हैं। इस झामुमो के झूठ का पिटारा जो था, उसको एक एक करके आपके समक्ष मैं बतलाना चाहता हूं, दिखलाना चाहता हूं और उसके माध्यम से समस्त झारखंड वासियों को भी यह विषय पहुंचाना चाहता हूं। और उनसे भी, जो आज हर एक युवा और हर एक महिला का जो आवाज है कि मुझे तो नहीं मिला, आपको मिला क्या, उसको मैं एक एक करके आपके समक्ष रखने का कोशिश करता हूं। झामुमो का झूठ का पिटारा, इस सरकार का जो सबसे बड़ा वायदा था वो था युवाओं के प्रति। बेरोजगार युवाओं के संवेदनाओं को जगा करके, उनके सपने और आकांक्षाओं को जगा करके इस सरकार ने एक वायदा किया था कि 5 लाख युवाओं को प्रतिवर्ष सरकारी नौकरी देंगे। ये उनके मैनिफेस्टो में है, आप देखेंगे स्लाइड में दिख रहा है, जेएनयू का चुनाव मैनिफेस्टो जारी, 5 लाख युवाओं को रोजगार का वायदा। एक बड़ा वर्ग जो युवाओं का वर्ग है उसको एड्रेस करते हुए एक झूठ उन्होंने बोली थी कि 5 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। उसको आगे बढ़ाते हुए कि भाई जब तक रोजगार आपको नहीं मिलेगा, तब तक प्रत्येक बेरोजगार को, जो ग्रेजुएट है, स्नातक है, उसको 5,000 और जो पोस्ट ग्रेजुएट है, स्नातकोत्तर, उसको 7,000। ऐसे 5,000 और 7,000, अगर 5 लाख के बेरोजगारों को नौकरी ना मिली, तो तब तक हम 5,000 और 7,000 प्रति महीने उनको बेरोजगारी भत्ता देंगे। इसको और एक कदम आगे बढ़ाते हुए, इसको और मजबूती देने के लिए उन्होंने कहा, हेमंत सोरेन जी ने, मुख्यमंत्री जी ने, उस समय वो भी नेता प्रतिपक्ष के रूप में थे, उन्होंने कहा कि अगर एक काम में पूरा ना कर पाऊं तो राजनीति से संन्यास ले लूंगा। ऐसा कमिटमेंट युवाओं के साथ उन्होंने किया। महिलाओं के लिए उन्होंने कमिटमेंट किया था, महिलाओं को गारंटी फ्री 50,000 ऋण देने का वायदा, 50,000 ऋण देने का वायदा सभी महिलाओं को, जो भी ऋण लेना चाहती है, उद्यमी बनना चाहती है, स्वावलंबी बनना चाहती है, ऐसे महिलाओं के लिए उन्होंने 50,000 बिना गारंटी के फ्री लोन की घोषणा की थी। आज झारखंड की दीदी बहनें पूछ रही हैं, मुझे तो नहीं मिला, आपको मिला क्या। प्रत्येक महिला दीदी को कहा था कि चूल्हा खर्च 2,000 रुपया देंगे। अभी एक योजना वो चला रहे हैं, उसको भी महाठग योजना, ऐसा लोग कह रहे हैं कि भाई नटवर लाल भी शर्मा जाए, इनके इतने ठगी के कारनामे हैं। इन्होंने चुनावी घोषणा में कहा था 2019 में अपने मैनिफेस्टो में, महिलाओं को प्रति माह 2,000 चूल्हा भत्ता देंगे। ये वायदा वो भूल गए और अभी गांव गंज की महिलाएं यह पूछ रही है, मुझे तो नहीं मिला,
आपको मिला क्या? गरीब बेटियों की शादी के लिए उन्होंने एक कमिटमेंट, एक मैनिफेस्टो जारी किया था, मैनिफेस्टो में एक वादा जारी किया था, गरीब बेटियों को शादी के बाद मिलेगा सोने के सिक्के। उन्होंने कहा कि भाई हम जैसे ही सरकार में आएंगे, बेटियों की शादी होगी तो हम सोने के सिक्के देंगे। आज बेटियां कई एक शादी करके ससुराल में हैं और ससुराल वाले पूछ रहे हैं कि भाई हमको नहीं मिला, आपको मिला क्या? और बेटियां आज उसे सोने के सिक्के के इंतजार में ससुराल में इंतजार कर रही है। इन्होंने किसानों को वायदा किया था, किसानों को वायदा किया था कि भाई राज्य के सभी 264 ब्लॉक मुख्यालय में कोल्ड स्टोरेज स्थापित करेंगे। भाई यहाँ के किसानों के लिए कोल्ड स्टोरेज देना है किसानों को, कैसे इन्होंने सभी को एक एक वर्ग को ठगा? पहले युवाओं को अपने जाल में फंसाया, फिर महिला दीदियों को जाल में फंसाया, अब किसानों के लिए कमिटमेंट। ऐसे कई 400 वायदे हैं इनके, लेकिन जो प्रमुख वायदे हैं उनको ही हम लोगों ने यहाँ पर आपके सामने रखने का काम किया है। राज्य के 264 ब्लॉक मुख्यालय में किसानों के लिए कोल्ड स्टोरेज रूम, आज जगह जगह लोग दिया लेके ढूंढ रहे हैं। आप देखे होंगे कि कई एक फसलें उसका संधारण के अभाव में, उसको प्रिजर्व नहीं करने के अभाव में वो पूरे बर्बाद हो रहे हैं, कोल्ड स्टोरेज नहीं मिला। और आज राज्य के किसान पूछ रहे हैं कि मेरे ब्लॉक में तो कोल्ड स्टोरेज नहीं मिला, आपको मिला क्या? एक बड़ा वायदा जो अभी 1,000 रुपया का ये स्कीम लेके आए हैं महिलाओं दीदी के लिए और गरीब परिवार के लिए, भाई राज्य के सभी गरीब परिवार को 72,000 रुपया का वायदा, साल में 72,000 रुपया देंगे। ऐसा वायदा दे करके वो भूल गए। और अभी कल भी मैं भाषण में सुन रहा था और भी दो बार मैंने सुना, कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी, मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन जी कह रहे हैं हमारी सरकार आएगी तो हम 1,00,000 रुपया प्रत्येक परिवार को देंगे। 72,000 दिया नहीं, अब उसमें जोड़ करके 1,00,000, माने झूठ का क्या क्या खाते हो, झूठ क्या पीते हो, झूठ क्या सोते हो, झूठ क्या बोलते हो, झूठ माने झूठ भी शर्मा जाए। अब झूठ के लिए भी कोई नया शब्द लाना होगा इनके लिए, भाई झूठा किसी को बोला जाए तो लोग शर्माते हैं, लेकिन देखो 72,000 इन्होंने कहा था कि हम प्रत्येक गरीब परिवार को देंगे, और आज जब चुनाव नजदीक है अभी कह रहे हैं कि 1,00,000 देंगे। 72,000 भूल गए और 1,00,000 का नया कमिटमेंट डाल रहे हैं। कोई परिवार को नहीं मिला, पूछ रहा है कि हमें नहीं मिला, आपको मिला क्या? सभी विधवा महिलाओं को इन्होंने कहा कि भाई 2,500 रुपया हम लोग मार्च प्रतिमाह वेतन देंगे, पेंशन देंगे। पेंशन को लेकर के बहुत ढिंढोरा पिटते हैं, जो चुनावी घोषणा पत्र में जो उनका कमिटमेंट था 2,500 प्रतिमाह गरीब विधवा महिलाओं को देंगे, एक भी महिलाओं को नहीं मिला। और वो विधवा महिलाएं आज पूछ रही हैं कि मुझे तो नहीं मिला, आपको मिला क्या? प्रशासनिक सुधार के दृष्टिकोण से लोगों को लुभवाने के लिए उन्होंने एक कमिटमेंट किया कि पलामू चाईबासा हजारीबाग को उप राजधानी बना देंगे, पलामू चाईबासा हजारीबाग को उप राजधानी बना देंगे। हम सबको मालूम है कि भाई अभी झारखंड की राजधानी रांची है और उप राजधानी दुमका है, लेकिन तीन उप राजधानी का इन्होंने घोषणा किया था। अब चाईबासा, पलामू और हजारीबाग के लोग पूछ रहे हैं कि भाई हमारा तो नहीं मिला, आपको मिला क्या? स्वास्थ्य के क्षेत्र में इन्होंने बड़ा एक कमिटमेंट किया था कि सभी स्वास्थ्य प्राथमिक उपकेंद्र पर और उप स्वास्थ्य केंद्रों पर डॉक्टर की उपलब्धता कराई जाए। आज डॉक्टरों का परीक्षा नहीं है, डॉक्टरों का कहीं वहाँ जो है रिक्रूटमेंट नहीं है, कहीं उनका पदस्थापन नहीं है। कई एक आपने देखा होगा जो 108 हम लोग के समय चल रहा था, उसको भी इन लोगों ने पहले तो उसको खत्म किया, बर्बाद किया, बाद में अभी आप देखे होंगे कई एक जगहों पर अभी भी खाट से लेकर के पेशेंट को लेके आया जाता है, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं को भी पूरी तरह से चरमरा दी है। एक कुछ अखबारों के कतरन है जो आपको दिखा रहे हैं, एक तो उन्हें शहीद निर्मल महतो जी के उस शहीद भूमि पर जाकर के और उनके शहादत को नमन करके, ये 2019 के पहले का है, उन्होंने कहा था सरकार बनी तो 1 साल में 5,00,000 नौकरी देंगे, नहीं तो राजनीति से संन्यास ले। अब भाई झारखंड का व्यक्ति संवेदनशील होता है, महापुरुषों के बलिदानों के प्रति हमेशा उनकी संवेदनाएं सर चढ़ के बोलती हैं। उन्होंने मान लिया, झारखंड की जनता ने, कि शहीद निर्मल महतो के
इस श्रद्धांजलि सभा में इस समाधि स्थल पे आकर के यदि वो कुछ कहते हैं तो निश्चित रूप से पूरा करेंगे, क्योंकि ये इस झारखंड के दिशम गुरु शिबू सोरेन जी के पुत्र हैं। और इन्होंने जब निर्मल महतो जी के समाधि स्थल पर फूल चढ़ा करके एक घोषणा किया है कि 5 लाख बेरोजगारों को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे, और नहीं दे पाए तो 5,000-7,000 बेरोजगारी का भत्ता देंगे, और नहीं कर पाए तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। इसलिए झारखंड की जनता, भोली वाली जनता, इसको ना विश्वास करे, ऐसा कोई बात नहीं था। और उन्होंने उस विश्वास का, उस संवेदना का, और लोगों के जो यहाँ के भोले वाले लोगों का जो हमारे महापुरुषों के प्रति जो आदर है उसके साथ खेला। और अभी अभी जब गए थे निर्मल महतो के उस पावन भूमि पर, तो वहीं से फिर कहा कि 1 लाख हम परिवार को प्रतिवर्ष परिवार को देंगे। मतलब फिर एक झूठ शहीदों के नाम पर, फिर एक झूठ शहीदों के श्रद्धांजलि स्थल को जा करके प्रणाम करके झारखंड के लोगों को जो है बरगलाने का काम कर रहे हैं। बेरोजगारों को मिलेगा 5,000-7,000 बेरोजगारी भत्ता, जैसा बताया हम लोगों ने। जामों का घोषणा पर हर गरीब परिवार को मिलेगा सालाना 72,000 रुपया, ये भी हम लोगों ने अभी बताया। इस सरकार के विरोध में कई एक प्रदर्शन, इन्होंने ये भी कहा था कि भी हम सरकार में आएंगे तो ये अनुबंध कर्मी और संविदा कर्मी जैसे शब्द को खत्म कर देंगे। और ये अनुबंध कर्मी संविदा कर्मी जो ये शब्द है, ये ऐसा लगता है कि जैसे मेरे दिल को कांटे की तरफ चुभता है, ऐसा हेमंत सोरेन जी का वक्तव्य था। और उन्होंने अनुबंध और संविदा कर्मियों के साथ संवाद भी किया था, और कैसे माया जाल में फंसाया, वो जो मायावी राक्षस हम लोग देते हैं काल ने भी रामायण में, उससे भी बड़ा माया खेल करके, मायावी दिखा करके अपना उनको भी जाल में फंसाया। बोला मनरेगा कर्मी, पारक शिक्षक भाई, सहायक पुलिसकर्मी, पोषण सखी, कृषक मित्र, जितने प्रकार के अनुबंध कर्मी है, हमारी सरकार आएगी, ये अनुबंध और संविदा सबको खत्म कर देंगे, सबको परमानेंट कर देंगे। और जब इस वायदे को याद कराने के लिए जब पारा शिक्षक और सहायक पुलिसकर्मी उनके पास गए, तो पहले तो उनको आश्वासन का घुट्टी पिलाया। जब 1 साल 2 साल 3 साल होने लगे तो फिर लोगों ने उसका विरोध किया, और जब मुख्यमंत्री जी से जवाब तलब करने के लिए आए तो उन पर लाठियां बरसाई। ना पारा शिक्षक परमानेंट हुए, ना पारा अपने सहायक पुलिसकर्मी परमानेंट हुए। आज कोई भी मनरेगा कर्मी हो, चाहे संविदा का कोई भी कर्मी हो, वो कोई आज परमानेंट नहीं है। सब अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं और एक दूसरे से पूछ रहे हैं, हमारा तो नहीं हुआ, आपका हुआ क्या, मुझे तो नहीं मिला, आपको मिला क्या। एमएससीपी को लेकर भी प्राइमरी टीचर का आमरण अनशन शुरू, जेएसएससी पीजीटी की परीक्षाओं में कदाचार। इन्होंने 5 लाख नौकरियों का वायदा जरूर किया था, दिया नहीं। जो चंद एग्जाम इन्होंने लिए, कुछ एग्जाम जो इन्होंने लिए, उन एग्जामों में सब में भ्रष्टाचार, सब में भ्रष्टाचार के आरोप लगे। जेई के परीक्षा में आप सबको मालूम है परीक्षा स्थगित हुआ, उस पर एसआईटी की जांच हुई, एसआईटी की जांच में एक व्यक्ति पकड़ा गया, और जब जांच की आज विधानसभा तक पहुंचने लगी, विधानसभा का एक कर्मचारी इसमें संलिप्त पाया गया, और जब जांच की आंच विधानसभा तक पहुंचने लगी तो इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। सीजीएल की कॉपी का और उसका जो है मूक बधिर कैसे परीक्षा में पास हो गया, उसका विरोध किया लोगों ने, सीबीआई जांच की मांग करी, उसको भी उनको खत्म कर दिया, उसको भी नहीं दिया, सीबीआई जांच नहीं की। इसी तरह से लैब टेक्नीशियन का परीक्षा हो, चाहे अभी जेपीएससी की परीक्षा का रिजल्ट, जेपीसी की जो चेयरपर्सन थी उनका रिटायरमेंट हो गया, और उन्होंने गंभीर आरोप लगाया है, क्योंकि जो जेपीसी के 3 मेंबर हैं, ऐसे तो अमूमन किसी भी राज्य के अंदर जो जेपीसी के मेंबर होते हैं, मतलब स्टेट सर्विस कमीशन के मेंबर्स होते हैं, वो कोई ना कोई आईएएस या आईपीएस रिटायर्ड होते हैं, वो एकेडमिक बैकग्राउंड के लोग होते हैं। लेकिन यहाँ कौन है मेंबर, यहाँ है झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता महासचिव सुदीप भट्टाचार्य जी की धर्मपत्नी, यहाँ है कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं, कोई अंसारी जी या कोई आलम जी है, उनका भाई है, और कौन है, और किसी एक पार्टी के, कांग्रेस और किसी पार्टी के एक व्यक्ति हैं। ये तीनों सदस्य ये हम डिमांड कर रहे हैं कि भाई जेपीएससी की परीक्षा में मुझे 18-18, 20-20 सीटें चाहिए, ऐसा एलिगेशन उस अपने चेयरमैन ने लगाया। जेपीएससी की परीक्षाएं भी बेची जा रही, पद बेचे जा रहे हैं, सर पूरे झारखंड प्रदेश में लगा, और ये पूरी चल रही है, और सीबीआई की जांच चल रही है। ये सरकार उन पे कोई जांच नहीं कराएगी, 100% गारंटीड है। जेपीसी में देखा है हम लोगों ने किस तरह से प्रश्न पत्र परीक्षाएं ली जा रही थी, ये पूरी दुनिया देखी है। लेकिन जो भी परीक्षाएं हुई है उसमें सारे एग्जाम्स के
रिजल्ट को इन्होंने बेचा, नौकरियों को बेचा और पूरे झारखंड प्रदेश में पहले तो नौकरियां नहीं मिली, या नौकरी मिली भी तो अपने भाई भतीजे या फिर पैसे के दम पर नौकरियां बेचेगी। और इसकी जांच की सीबीआई जांच मांग की जा रही है। निश्चित रूप से आने वाले समय में इन परीक्षाओं का भी सीबीआई जांच होगा। झारखंड अलग राज्य चिन्हितीकरण आयोग जो है आंदोलनकारी है, वो भी उनके लिए कहा था कि भाई हम आएंगे तो सभी आंदोलनकारियों को पेंशन देंगे, नौकरियों में आरक्षण देंगे, वो भी आज ठगे हुए दिख रहे हैं। आदिवासी छात्र जो पाकुड़ में आदरणीय अपने दादा हेमंत दादा आसाम के माननीय मुख्यमंत्री जी गए थे, दांदू हेमरम और परमेश्वर माझी की जमीन अभी भी उनको वापस नहीं मिली, अभी भी वहां पर है। जब वहां गए तो वहां जो है जब सरकार ने कुछ नहीं किया और जब केकेएम कॉलेज के पाकुड़ के आदिवासी छात्र उसके विरोध में जब वो प्रदर्शन करने के लिए निकले तो रात के अंधेरे में उन तमाम आदिवासी छात्रों को बहुत गंभीर तरीके से लाठीचार्ज करके मार करके पुलिस के माध्यम से उनको लहूलुहान कर, एक किसी का भी नहीं है, आदिवासियों के साथ भी इनका व्यवहार देख लीजिए। और बालू की स्थिति ऐसी है कि भई अब बालू जो है सोने के भाव बिक रहा है, एक भी बालू कहीं नहीं मिला। ये सरकार दुर्भाग्य रहा कि सरकार 5 साल रही, एक भी बालू घाट का नीलामी इन्होंने नहीं किया, लेकिन एक भी बालू किसी घाट में मिले आए, किसी जोड़िया में नहीं, नदी में नहीं, वो बालू कहाँ गया? वो बालू सारे जो कालाबाजारी करके स्मगलिंग करके ये राज्य की सरकार के मंत्री से लेकर के राज्य के सरकार के जितने भी पार्टी के अध्यक्ष से लेकर के सब लोगों ने इसके स्मगलिंग की और करोड़ों रुपया अरबों रुपया बालू से बनाया। और एक आम गरीब को जो बालू सुलभ था, हमारी इस प्रकृति ने हमें, इस झारखंड की भूमि ने हमें मुफ्त में दिया था, उसको दुर्लभ बना दिया। लोग नौकरी मांग रहे हैं और जो नौकरी कर रहे हैं उनको भी उसका हक नहीं मिल रहा है। झारखंड सचिवालय सेवा के अफसरों का प्रदर्शन जारी, उग्र आंदोलन की तैयारी। विधानसभा के सामने धरना देने के लिए स्वास्थ्य रैया रांची से हुई रवाना। निगम के सफाई कर्मचारियों को अनिश्चितकालीन हड़ताल। सचिवालय कर्मी और पारा शिक्षकों के बाद अब समन्वय कर्मियों ने भी शुरू किया आंदोलन। कलेक्ट्रेट में ठप रहेगा कामकाज। वोट लेकर भूल गए सारे वादे, सामने आए झामुमों के झूठे इरादे। किसी को कुछ नहीं मिला है, ये वादा खिलाफी सरकार है। खाली करो कुर्सी अगर नहीं है जवाब, खाली करो कुर्सी अगर नहीं है जवाब, बंद करो केंद्र पर मरना अपने माथे का पाप। युवाओं को चाहिए वादों का हिसाब। आज हमारे लाखों कार्यकर्ता, लाखों युवा इस झारखंड प्रदेश के मोरावादी में ऐतिहासिक मैदान में 23 तारीख को उस सवाल को लेकर आए थे जिसको पूरा झारखंड पूछता है। झारखंड अगर झारखंड के 5 लाख युवाओं को 5 साल से 5,000 प्रतिमाह नहीं मिला तो 15,000 करोड़ कहां गया? 15,000 करोड़ कहां गया? झारखंड की 2.5 लाख विधवा माताएं और बहनों को 5 साल से 2,500 प्रतिमाह पेंशन नहीं मिला तो 3,750 करोड़ कहां गया? 3,750 करोड़ कहां गया? झारखंड की 50 लाख महिलाओं को 50,000 की गारंटी फ्री लोन नहीं मिला तो 2.5 लाख करोड़ कहां गया? 2.5 लाख करोड़ कहां गया? झारखंड की 50 लाख महिलाओं को प्रति माह 2,000 का चूल्हा भत्ता नहीं मिला तो 60,000 करोड़ कहां गया? 60,000 करोड़ कहां गया? 5 साल में झारखंड की किसी नवविवाहिता महिला को सोने का सिक्का नहीं मिला तो 300 करोड़ कहां गया? 300 करोड़ कहां गया? झारखंड के 50 लाख परिवारों को हर साल 72,000 नहीं मिला तो 1.8 लाख करोड़ कहां गया? फिर झारखंड वासियों को पिछले 5 साल में इतना कुछ तो मिला नहीं, तो फिर झारखंड वासियों को पिछले 5 साल में मिला क्या? यही सवाल आज पूरा झारखंड पूछ रहा है कि मुझे तो नहीं मिला, आपको मिला क्या?